Hello students, in this video we will learn about different tags used to create HTML tables. So we will see different tags like table tag. We have seen table tag, tr tag, td tag in my previous video. So now we will see the different attributes used in these tags. So as you can see in the table displayed on the screen, you can see now these are the attributes of table tag. ओके सो आप टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स देख सकते हो. अलाइन एट्रीब्यूट इज देयर. ओके उसका वैल्यू क्या दे सकते हो आप, लेफ्ट राइट और सेंटर. ठीक है, इन बाय यूजिंग दिस डिफरेंट वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, आपके टेबल को अलाइनमेंट दे सकते हो. आपको आपकी टेबल लेफ्ट में देनी है, सेंटर में डिस्प्ले करवानी है और राइट साइड ऑफ योर वेब पेज. ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस अलाइन एट्रीब्यूट यू कैन गिव दीज वैल्यूज एंड बाय यूजिंग दिस वैल्यूज योर टेबल विल बी displayed accordingly. Then second attribute is width attribute. So width attribute की value आप दे सकते हो either in pixel or percentage. ये क्या करेगा, ये specify करेगा width of the table. आपके table की width क्या होगी, ये specify होगी by using this width attribute. Okay, border attribute. Border attribute अगर आपको अपनी table को border देना है, you want to show some border, then this attribute is must. अगर आप नहीं दोगे तो आपके table में कोई border नहीं आएगा. So इसका value कोई number से होता है. अगर आपको याद हो तो previous video में हमने देखा है border is equals to 1, तो एक border display हुई थी. ठीक है, now next attribute is cell spacing. ये आप पिक्सेल में दे सकते हो. सेल स्पेसिंग क्या बताता है, ये स्पेसिफाई करता है आपका विथ ऑफ द बॉर्डर. ओके, विथ ऑफ द बॉर्डर किसकी, बिटवीन द इंडिविजुअल सेल ऑफ अ टेबल, मतलब एक जो आपका डेटा डेटा सेल है उसकी और टेबल की बॉर्डर, उनके बीच की विथ बताता है. ठीक है, उनके बीच में जो बॉर्डर है उसकी विथ बताता है. ये हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा ये सेल स्पेसिंग. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सेल पैडिंग, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो इसकी वैल्यू भी अगेन आप पिक्सल में दे सकते हो. सेल पैडिंग क्या बताता है, ये बताता है स्पेस. ओके, जितना स्पेस छूटेगा किन के बीच में, हर एक डेटा सेल की बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच में. ठीक है, कितना स्पेस है, लाइक दिस इज योर डेटा सेल एंड यू आर राइटिंग 3, तो इनके बीच में कितना स्पेस है, ये आप बता सकते हो सेल पैडिंग की हेल्प से. ठीक है, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बीजी कलर, बॉर्डर कलर. बीजी कलर फॉर गिविंग सम बैकग्राउंड कलर फॉर द टेबल. ओके, सो कलर देना पड़ेगा आपको उधर. बॉर्डर कलर फॉर गिविंग सम कलर टू योर बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ द टेबल. देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के थ्रू कुछ इमेज आप डाल सकते हो. ठीक है, बैकग्राउंड इमेज फॉर द टेबल दैट वी कैन सेट फॉर अवर टेबल बाय यूजिंग दिस बैकग्राउंड. सो इधर वैल्यू होगी कोई इमेज का यूआरएल, जो भी इमेज आपको डालनी है आपके टेबल पर. देन यू कैन सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ टीआर टैग. ठीक है, टीआर टैग के थ्रू आप क्या करते हैं, वी क्रिएट रोज बाय यूजिंग टीआर टैग. तो एट्रीब्यूट आप देख सकते हो टेबल में. ओके, सो अलाइन एट्रीब्यूट इज सेम, लेफ्ट राइट सेंटर. आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्पेसिफाई द अलाइनमेंट फॉर योर टेबल रो. ठीक है, लेफ्ट राइट और सेंटर कहाँ आपको उसका कंटेंट डिस्प्ले कराना है. देन बॉर्डर अगेन नंबर है इसका, सो टेबल रो की बॉर्डर सेट हो सकती है. बीजी कलर के थ्रू यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर दैट गिवन टेबल रो. एंड बॉर्डर कलर के थ्रू बॉर्डर का कलर सेट हो जाएगा उस रो के लिए. बैकग्राउंड के थ्रू यू कैन गिव सम इमेज. ठीक है, देन यू कैन सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ टी डी और टी एच टैग. ठीक है, टी डी से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, टेबल डेटा, एक डेटा सेल क्रिएट हो जाएगा. एंड टी एच इज फॉर टेबल हेडिंग. ठीक है, उस रो की क्या हेडिंग दे रहा हो, उन दोनों के एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हो सेम है. अलाइन, ठीक है, फॉर गिविंग अलाइनमेंट. सो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई यू कैन सेट दीज एट्रीब्यूट्स. एंड देन विड्थ यू कैन गिव इन पिक्सल, सो इट विल सेट द विड्थ ऑफ योर टेबल सेल. हाइट, सो यू कैन सेट द हाइट ऑफ द टेबल सेल. बॉर्डर, थ्रू बॉर्डर वी कैन सेट द बॉर्डर ऑफ दैट गिवन टेबल. ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपके उसको कोई बॉर्डर नहीं आएगा. दिस इज फॉर आई एम टेलिंग यू अबाउट द टेबल इटसेल्फ. ठीक है, सो अलाइन विथ हाइट एंड बॉर्डर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टी डी और टी एच टैग. अगेन नेक्स्ट बी जी कलर इज देयर, दैट इज फॉर बैकग्राउंड कलर, फॉर सेटिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल सेल.
बॉर्डर कलर, सो टेबल सेल का बॉर्डर कलर सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड से आप इमेज दे सकते हो उस टेबल को, ठीक है। वी अलाइन इज देयर, सो दैट गिव्स अस वर्टिकल अलाइनमेंट, ओके, फॉर द कंटेंट्स ऑफ दैट सेल। वी कैन गिव टॉप, सेंटर एंड बॉटम अलाइनमेंट, सो दीज आर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, ओके, इन दैट पर्टिकुलर रो। Then this row span and call span, these are very important for like formatting of our table. So row span, call span, इन दोनों का value है number, okay, दोनों कुछ ना कुछ value लेंगे. So row span क्या करेगा, that will merge the current cell with a specified number of its adjacent cell on the same column. अगर आप same column में ही कितने cell को मर्ज करवाना चाहते हो, ठीक है, करंट सेल को मर्ज करवाना चाहते हो, तो आप क्या दोगे, रो स्पेन दोगे। एक रो में जितने भी कॉलम्स है, मतलब टीडी है, उन सबको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कॉल स्पेन आप देख सकते हो, इट विल मर्ज द करंट सेल विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इट्स एडजेसेंट सेल्स, एज यू कैन सी हियर। सो इधर सेम रो में जितने भी एडजेसेंट सेल हैं कॉल स्पेन के थ्रू वो मर्ज हो जाएंगे। सो दिस वी विल सी इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल सी मर्जिंग टेबल सेल्स।